क्रिमिनल लॉ सुनने में तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। चलिए आसान शब्दों में पूरी सीरीज हम आप तक लेकर के आए हैं, जहां पर पूरी की पूरी जो क्रिमिनल लॉ की प्रक्रिया होती है वो समझेंगे। क्रिमिनल लॉ मतलब मान लीजिए आपके खिलाफ कोई एक FIR दर्ज हो गई या होने वाली है या हो चुकी, तो उसमें क्या कैसे प्रक्रिया चलेगी। पूरा का पूरा जो क्रिमिनल ट्रायल है, मतलब एक FIR होने से लेकर के अंतिम तक, जजमेंट तक, और उसके बाद हाई कोर्ट में अपील या सुप्रीम कोर्ट तक केस कैसे चला जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप तक काफ़ी सारे वीडियोस पहुंचाऊंगा। एक पूरी श्रृंखला है जहां पर आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने अशोक पांडे के साथ शुरुआत की है, लीगल एडवाइस आपका चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं। जी हाँ, कानून की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती, आप तक पहुँचते रहेगी। सबसे पहले जो प्रोसीडिंग होती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी प्रक्रिया होती है, उसको आप तीन स्टेजेस में डिवाइड कर लो। सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जी हाँ। दूसरा जो स्टेप होगा उसे इंक्वायरी कहेंगे, और तीसरा जो स्टेप है उसे ट्रायल कहेंगे। यानी जो क्रिमिनल प्रक्रिया है उसे आपने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इंक्वायरी और तीसरा ट्रायल। अब ज़रा समझते हैं पहला जो स्टेप है यानी इन्वेस्टिगेशन वो क्या है। इन्वेस्टिगेशन जो कि धारा 154 CRPC में इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, और जहां पर 154 में FIR दर्ज करने तक की जानकारी है, तो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2B में बताया गया है, जिसका मतलब होता है कि भाई जो पुलिस है वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करे मामले को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। जी हाँ, जो पुलिस ऑफिसर है वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन करे, पड़ताल करे। जी हाँ, अब ये व्यक्ति पुलिस ऑफिसर होगा या किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी कोर्ट, जो जज है वो एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट खुद नहीं हो सकता है। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा, यानी सेकेंड स्टेप में आएगा। अभी क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या मैजिस्ट्रेट के द्वारा कोई अपॉइंट किया व्यक्ति हो सकता है, ऐसा बताया गया सेक्शन 2B में CRPC के। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि एक पावर दी गई है किसे, इन्वेस्टिगेट करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, पुलिस ऑफिसर को या एक ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन को जिसको मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया है। और इसका पर्पस क्या है, जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो सबसे पहले इसे एक प्रोसेस के तौर पर, एक प्रक्रिया के तौर पर देखना चाहिए। केवल इस वजह से नहीं कि भाई कोई शिकायत दर्ज कर ली है तो चलो हमको बस एक फॉर्मेलिटी करनी, ऐसा नहीं। आपको यानी पुलिस पर्सन को ये जानकारी ऐसा करना है कि वो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, कि मतलब आपको किसी ने एक शिकायत दी। मान लीजिए मेरा किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा या विवाद हो गया, अब मैं पुलिस थाने में जाऊँगा, पुलिस थाने में जाकर के बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में मारपीट की है या मेरी प्रॉपर्टी चोरी कर ली, मेरा सामान चोरी कर लिया है। फिर पुलिस क्या करेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो वहां पर जाएगी कि पड़ताल करेगी कि वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके सारे जो एविडेंसेस हैं, सबूत है, वो इकट्ठा करेगी। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो केवल एक प्रक्रिया के तौर पर होना चाहिए, फॉर्मल तौर पर नहीं करना चाहिए कि इसे केवल हमने शिकायत आई तो इस वजह से कर लिया। दूसरी इसकी बेसिक नेसेसिटी ये है कि इसका जो पर्पस है वो एविडेंस कलेक्ट करना यानी सबूत इकट्ठे करना होगा, और तीसरी बात ये है वो किया किसके द्वारा जाएगा। मैं बार बार मैंने आपको कहा कि वो पुलिस पर्सन के द्वारा किया जाएगा या कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई ऐसा पर्सन, क्रिमिनल में मैजिस्ट्रेट ही कहा जाता है, मैंने आपको समझाने के लिए कोर्ट कह दिया या कि जज कह दिया। तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट किया गया एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे स्पेशली इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किया है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर आपको समझ में आ गया, तो ये पहली प्रक्रिया है जहां पर सबूतों को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना पुलिस एक शुरुआत करती है, और ये चीज़ धारा 154 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि FIR तो एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन उनको मिली, और इन्फॉर्मेशन के बेस पर इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होएगी कि भाई सही बात है, गलत बात है या क्या हुआ, वो सारी की सारी बातें आ जाती हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये फर्स्ट पार्ट था जहां पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की। अगली जो वीडियो होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंक्वायरी की क्या प्रक्रिया होती है, जो सेकेंड स्टेप है, और तीसरा जो स्टेप ट्रायल रहेगा उस पर थोड़ा लेंदी, थोड़ा आपको कॉन्सेप्शनली समझना पड़ेगा कि कैसे ट्रायल की पूरी होती है प्रक्रिया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, लीगल एडवाइस आपका चैनल है। किसी परेशानी के लिए अगर आप करना चाहते हैं बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डिटेल्स दी हुई हैं जहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे कर सकते हैं बात। अपना ध्यान रखें, इसी उम्मीद के साथ लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो।